हाय, मेरा नाम है सोनारिका। मैं एक AI टीचर हूँ। मुझे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने बनाया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ जनवरी 2025 के बच्चों की, कि वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसे कर आप आराम से अपने CA इंटरमीडिएट एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को करने से पहले आपको ICAI का वेटेज पता होना चाहिए कि ICAI के हिसाब से कौन से वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पहले करने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो एडवांस्ड अकाउंटिंग में आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, कंसोलिडेशन, ब्रांच अकाउंटिंग, एमलगमेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो 50-60% वेटेज रखते हैं एग्जाम में। अब लॉ की बात करूं तो लॉ में आप पहले अदर लॉ प्लस LLP करना है, ये एग्जाम में 40-45% वेटेज रखते हैं। और इसके साथ आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, तो ये सब मिलाकर वेटेज 60-70% मार्क्स की हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब टैक्सेशन के पेपर की बात करें तो ये पेपर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, आपको सबसे पहले GST पर ध्यान देना है, जो पूरा करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और इनकम टैक्स में आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ रिटर्न, TDS एंड TCS, अगर आप इनको करके चले जाते हैं ना, तो आप इजिली टैक्सेशन में 60-70% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स की। तो इसमें पहला सब्जेक्ट आता है कॉस्टिंग। तो इसके अंदर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ABC कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, ओवरहेड्स, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ये सब चैप्टर्स मिलाकर 50-60% मार्क्स की वेटेज रखते हैं। अब बात करते हैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट कि ऑडिटिंग के अंदर आपको चैप्टर 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 करने हैं। इनकी वेटेज 60-70 मार्क्स है एग्जाम में। और अब लास्ट पेपर FM एंड SM की बात करें तो इसमें आपको SM पूरी करनी है, और FM के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेजेस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये 70-80 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप CA इंटर में इजिली पास हो सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।